हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सब खैरियत से हैं एंड वेलकम टू माय चैनल। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे रहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड स्टे ट्यून विद मी। एंड इट्स आफ्टरनून, अम्मी के फ्रेंड के यहाँ जाना तो वहाँ को निकल रही मई बी अम्मी। लेट्स सी हाउ द डे गोज। और ये थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ को है एंड आई एम वेटिंग डाउन स्टेयर्स एज ऑलवेज। अम्मी के फ्रेंड के हम बात कर ले और वहाँ से छोर एक भी जगह जाना था तो वहाँ जाको घर को निकले और रास्ते में बारिश शुरू होगा था, रती रती थोड़ा थोड़ा झड़ी पड़ती थी। और आज का व्लॉग शायद लास्ट होता, ये पैर के पास से निकला मुझे मालूम नहीं। अम्मी देखो बोले पार्किंग कर को ऐसा छांच था सामने, छोटा है लेकिन इसमें जहर रहता या नहीं वो तो मालूम नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे क्या मालूम क्या करना होता हो। सांप पीछे वे उसे मारना भी नहीं की ना। बस हवा निकल गई। उधर चले जा लाला रुक चल जा। और घर को एंड करते मान शाम से बसते बचाते हुए बारिश जोर से शुरू होगा तो बारिश एंजॉय कर रही हूँ मैं। यहाँ असर की नमाज़ का वक्त होगा था तो नमाज़ पढ़ रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन आदादा खतरिल अमतार। चाय बना लगो, चाय बारिश के साथ चाय नहीं पीते हैं। ओहो सामने आंटी कौन की दिख रही। और ये अम्मी के साथ डील हो को है, अम्मी चाय बनाई तो मैं मैगी बनाना दे तो मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ। आज मसाले वाली मैगी नहीं, नॉर्मल वाली मैगी, सिर्फ नमक मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और मैगी वो ताज। और ये अम्मी यहाँ चाय रखो ही और हमारी मैगी रेडी होगी है तो मैगी के साथ चाय इंजॉय करती हूँ मैं। तुम्हें वैसे बारिश में क्या इंजॉय करती, पकौड़े, मैगी, कमेंट करो। और आज मैं एलोवेरा जेल बना रही हूँ तो उसके वास्ते ऐसा पड़ोस के यहाँ जाको ऐसा एलोवेरा के लीव्स चोरी करना पहले चोरी करो रखो बाद गाली भी पड़ सकते तो पूछ को मांग लियो या घर में है तो लीव्स ले लियो। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और इसे अच्छे से क्लीन कर लियो, मिट्टी या डस्ट जो भी रहता है उससे भी एलर्जी हो सकती है तो अच्छे से पानी से अच्छे से क्लीन कर लियो। और थोड़ी देर इसे थोड़ी देर वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखो रहो, इसका स्टार्च जो भी वो येलो कलर का रहता है वो भी निकल गया तो भी क्या भी इरीटेशन स्किन पर क्या भी नहीं रहता। और मैं इसे अच्छे से पील कर लेती हूँ, साइड का जो भी है उसे काट को ऊपर का एक तरफ का मैं पील कर को इसका अंदर का जो भी जेल है उसे निकाल लेती हूँ। ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा भी तुम्हारा कंफर्टेबल है तो वैसा तुम्हें इसका रिमूव कर सकती हैं पील। एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, सन बर्न को दूर करता है, स्किन मॉइस्चराइज़ करता है, हेयर मॉइस्चराइज़ करता है, तुम्हें हेयर पैक में भी इसे यूज़ कर सकती हैं, फेस पैक में भी यूज़ कर सकती हैं और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। इट रिड्यूसेस स्किन एजिंग, ब्लेमिशेस को लाइटन अप करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, डैंड्रफ को दूर करता है और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। मैं यहाँ स्पून की हेल्प से इसका जेल निकाल रही हूँ। ये मुझे ईजी वे दिखता है, ज़्यादा मेसी भी नहीं रहता और ईजी से अच्छे से निकल जाता है तो तुम्हें ये ट्राई कर सकती हैं। और ये सारा जेल अच्छे से रिमूव हो गए तो मैं इसे एक बार वॉश कर लेती हूँ नॉर्मल पानी से। क्लीनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और ये सब अच्छे से क्लीन कर लियो नहीं तो अच्छा खासा स्लिप होता है इसमें। और ये जो ग्राइंडर में तुम्हें ग्राइंड कर रही हूँ उसे अच्छे से क्लीन कर लियो, मसाले का या तेज जो भी है उसमें करोनों को रति गर्म पानी से अच्छे से क्लीन कर लियो नहीं तो फेस पर इरिटेशन नीचिंग हो सकती है। तो मैं यहाँ सारा जो भी मैं जेल निकाल को हूँ उसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ग्राइंडर में और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ।
और ये अच्छे से ग्राइंड हो गए, मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और ये पूरा झाग चल जाता है। एक तो 2 आवर्स तक इसे रेस्ट करने दियो, तो ऐसा में फ्रिज में रखो ना को, एक 2 आवर्स बाहर रखो रहो तो पूरा झाग सब इसका अच्छे से चल जाता है। ये देखो अच्छा जेल क्वांटिटी में, जेल कंसिस्टी में होको है। और इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसे मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। ये आराम से 10-15 दिन तक अच्छा रहता है, तो मैं स्किन पो हेयर मास्क में, फेस मास्क में सब आराम से यूज़ कर सकती हूँ। या डायरेक्ट भी ऐसा अप्लाई करके हाफ एन आवर के बाद वॉश कर सकती हूँ। इसके बेनिफिट्स तो सब जानती हूँ। स्किन को, हेयर को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, इवन टोन करता है, पिंपल्स को वर्क करता है। तो शेयर योर एक्सपीरियंस, एक बार ट्राई करो घर में बनाने का। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर। लॉट्स ऑफ लव एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।